पानी दिया फ्री में आप लोगों को, अच्छा बिजली दिया, रोडा डाला, शादी के लिए मदद करा, बच्चों के लिए स्कूल लगा के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, खाना भी दिए, 6 किलो चावल दिया, जब कोरोना आए तो 10 किलो चावल दिया, दिया नहीं दिया कोरोना में 10 किलो चावल मुफ्त में कोरोना में दिया। केसीआर सब बनाने का काम करा, दवाखाना बनाए, रमजान में कपड़ा दिए, लेकिन रेवंत रेड्डी क्या कर रहा है? केसीआर सब बनाने का काम करे तो रेवंत रेड्डी तोड़ने का काम कर रहा, अब तोड़ने का काम इन्हें कर रहा, बनाने का काम केसीआर साहब करा, हमारा जरा सुनो, बनाने का काम केसीआर साहब करे तो तोड़ने का काम रेवंत रेड्डी कर रहा। मैं आप सब लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं, केसीआर साहब ने हमें आपके पास भिजाए, केसीआर साहब भिजाए तो हम आपके पास आए, आपको हिम्मत देने के लिए हम आया है, यहाँ कोई बुलडोजर नहीं आएगा, आप कोई चिंता मत करो। अब राहुल गांधी क्या बोल रहा है देश में, महाराष्ट्र जाके हरियाणा जाके राहुल गांधी बोल रहा ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा बोल रहा, उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले बुलडोजर राज चला रहे योगी आदित्यनाथ दास, ये बोलता है राहुल गांधी बुलडोजर राज नहीं चलेगा, फिर तुम्हारा सीएम क्या कर रहा हैदराबाद में? राहुल गांधी पहले तुम्हारा सीएम को समझाओ, बुलडोजर राज बंद करने के लिए बोलो तेलंगाना में, नहीं तो अगर से तुम बंद नहीं करने आए तो तुम्हारा हाथ हाथ का सिंबल निकाल के बुलडोजर का सिंबल लगा लो, बुलडोजर का सिंबल लगा लो, जब पूरे लोग मिलके तुम्हारे को सबर सिखाएंगे बेटा, क्या समझ रहे? थोड़े लोग आके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे, नहीं डबल बेडरूम खत्म होता जल्दी ले लो, नहीं तो नहीं मिलता, डराने के डरेना का काम कर रहा, क्या तुम्हारा बाप का जागीर है? तुम कैसा लेता हमारा, तू कौन है? आप लोग यहाँ से 30 साल 40 साल 50 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, 60 साल से यहाँ हैं, कौन परमिशन दिया? पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन दिया, आपका जमीन रजिस्ट्रेशन करे म्यूनिसिपल ऑफिस में परमिशन मिला, आप उसके लिए टैक्स बन रहे, बिजली का बिल बन रहे, पानी का कनेक्शन लिए, वो 40-50 साल से आप लोग यहाँ जी रहे, एक घर बनाना एक जिंदगी का, एक पूरा जिंदगी भर मेहनत करे तो आप एक घर बनाएंगे, 100 साल का लिए घर बनाते, ये रेवंत रेड्डी आया 5 साल को, तू रहेगा 5 साल, 5 साल के बाद तो कैसे भी लोग निकाल देंगे तुम्हारा को, कैसे भी निकाल लेंगे, लेकिन तुम 100 साल का मकान गिराने का हक कौन दिया तुम्हारा को? मैं पूछना चाहता हूँ, तू कौन है? पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट परमिशन देता, तुम्हारा कांग्रेस गवर्नमेंट आके तोड़ते क्या? अगर से केस लगाना है तो जो गवर्नमेंट परमिशन दिया उसके ऊपर केस लगाओ, जो परमिशन दिया वो ऑफिसर के ऊपर केस लगाओ, लेकिन गरीबों का घर टच नहीं करना बोल के मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, अगर बुलडोजर चलना है तो हमारा ऊपर चलना है, लेकिन आपके घरों को टच नहीं कर सकता, हम आपके करीब रहेंगे, आप फोन करें तो 15 मिनट में आपके पास आएंगे, दीवार बनके हम ठहरेंगे, दीवार बनके हम ठहरेंगे, लेकिन आपके घर को कोई टच नहीं करेगा, आप बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने का नहीं है, लेकिन आप मिलके रहिए। थोड़े लोग भटका के डबल बेडरूम ले बोल रहा, वो कहाँ देता डबल बेडरूम, आए कहाँ, दिए से वाले को घर मिल रहा नहीं, वो कोई अंदर आने नहीं दे रहा, लेकिन तुम डबल बेडरूम कहीं देते होंगे, बच्चे कहाँ पढ़ना, आपका बेरोजगार, आप काम कर लेते आजू बाजू में, वहां जाए तो काम कैसा मिलता, या क्या फैसिलिटी रहेगा? और एक बात बोलना है, किसी हाल में देना नहीं, उसका डबल बेडरूम जरूरत ही नहीं है, वो भी अपना डबल, लेकिन और एक बात भी आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ, अपन मानने का नहीं है, लेकिन आपको मालूम रहना बोल के बोल रहा हूँ,
2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट ये कांग्रेस ने हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट में लाया, उसमें क्या बोले, अगर से किसी का घर वो एफटीएल में रहन दो, बफर में रहन दो, सरकार के जमीन में रहन दो, वो किधर भी रहन दो, गरीबों का कोई जमीन लेना है, गरीबों का कोई मकान लेना है तो उसमें तीन रूल है। उसमें तीन रूल में क्या क्या है, जो मकान या जो झोपड़ी या छोटा जो भी घर है उसको कैलकुलेट करके तीन गुना पैसे देना, ये नंबर वन। नंबर टू, उनका बेरोजगारी के लिए 5 लाख रुपया देना। नंबर थ्री, डबल बेडरूम पूरे सहूलत के साथ, दवाखाना, आंगनवाड़ी, स्कूल, पानी, बिजली, रोड, डबल बेडरूम मकान बन के देना। ये अपने दस्तूर में है, ये अपने दस्तूर में है, ये मेरी बात नहीं है, ये पार्लियामेंट का दस्तूर में है। बोले तो अगर से किसी का सख्त में लेना भी है, तीन गुना घर का पैसे देना, सहूलत के साथ डबल बेडरूम देना, हर बच्चे को 18 साल के उम्र जितने लोग भी घर में है एक एक को 5 लाख रुपया देना, ये अपना दस्तूरी की बात है। लेकिन यहाँ के थोड़े छोटे मोटे लीडर आके क्या बोल रहे, अरे भाई डबल बेडरूम खत्म होता ले लो, वो 25 लाख का है, 20 लाख का है, वो किसका बाप का जागीर है, केसीआर साहब ने बनाया है वो गरीबों के लिए, केसीआर साहब ने वो डबल बेडरूम बनाया, इन्हें आके बांटता कते, किसको बांटता, अपने को बांटता कते, अपना मकान लेता केसीआर साहब बनाया सो देता कते, क्या समझ रहा है, किसी हाल में देना नहीं। अगर से मैं और एक बात पूछना चाहता हूँ, कल बहन जी और मैं गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहां मेडिकल शॉप था, हम ठहरे, लोग गांधी हॉस्पिटल से बाहर आके मेडिकल शॉप में दवा खरीद रहे, मैं पूछा यहाँ क्यों खरीद रहे, सरकारी दवाखाना है ना गांधी, अंदर नहीं दे रहा क्या, नहीं दवा नहीं है, कहते साहब बाहर खरीदो, बोले डॉक्टर साहब, लोग आके दवा प्राइवेट में खरीद रहे, सरकारी दवाखाने में दवा नहीं है। मैं फोन करके पूछा क्यों दवा नहीं है, साहब पैसे नहीं है, गरीबों को दवा देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हमारा टिमरी स्कूल में एससी एसटी बच्चे जहां पर रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे वहां पर 6 महीने से बच्चों का खाना का बिल नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, का चेक भी लेट हो रहा, 2000 पेंशन भी लेट हो रहा, ये क्यों नहीं दे रहे, बोले तो पैसे नहीं है। किसी के लिए तुम्हारा